सागर जिला की जनपद पंचायत केसली अंतर्गत ग्राम पंचायत नयानगर में सरपंच सचिव सहित रोजगार सहायकों की मनमर्जी से ग्रामीण आए दिन परेशानी से जूझ रहे हैं। चाहे बात पेयजल की हो या बात शौचालय निर्माण कार्य की, सचिव रोजगार सहायक का इस ओर कोई ध्यान नहीं रहता है। उदयभान अहरवार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत शौचालय निर्माण कार्य कर लिया, पर उसके खाते में शौचालय की राशि जमा नहीं की गई। हितग्राही जनपद सीईओ और पंचायत सचिव के बरसों से चक्कर लगा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कितना ही प्रयास कर लें, पर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं धरातल पर पूर्ण सफल होती दिखाई नहीं दे रही हैं। गरीब पात्र हितग्राही उदयभान सहित महिलाएं, नन्हे बच्चे सहित अधिकांश ग्रामीण पंचायत के हिटलरशाही रवैये से जूझ रहे हैं। यह वास्तविकता देखने के बाद सीईओ कार्रवाई करे अन्यथा ना करे, पर स्थानीय संवाददाता द्वारा हर एक वह बिंदु खबर प्रसारण के माध्यम से जिला कलेक्टर और जनपद सीईओ सहित प्रदेश के मुखिया को दिखाया जा रहा है, जो ग्रामीणों की मूलभूत योजना के तहत लाभ दिलाना पंचायत सचिव सीईओ की अहम भूमिका मानी जाती है। पर ग्राम पंचायत नयनगर के हितग्राही ने पंचायत ग्राम प्रधान सचिव रोजगार सहायक सहित सरकार के सिस्टम पर कई सवाल किए हैं कि जब सरपंच के परिवार के सदस्यों के नाम आवास स्वीकृत सूची में नाम जुड़कर आवास स्वीकृत हो गए हैं एवं मेरा नाम आवास सूची में जुड़ना तो बहुत बड़ी बात है। एक वर्ष पूर्व शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद भी 12,000 निर्धारित स्वीकृत की गई सरकार द्वारा राशि रोजगार सहायक पंचायत ने जमा नहीं। आखिर क्या इस प्रकार ही सचिव रोजगार सहायकों द्वारा भोले भाले गरीब पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लॉलीपॉप मात्र दिखाया जा रहा है, ना कि धरातल पर उन्हें किसी योजना का भौतिक लाभ दिया गया। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी अनियमितता और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। पंचायत कौन सी है? ग्राम नयनगर। यहाँ पे सचिव सरपंच? सरपंच का नाम है प्रकाश सिंह राजपूत, सचिव का नाम है खेमवंद लोधी और सहायक सचिव का नाम है हुकम सिंह राजपूत। जी, आपकी परेशानी क्या है? परेशानी ये है सर कि पूरी पंचवर्षी निकल गई और एक्स्ट्रा साल भी निकल गए जी। सर पे हमारे यहाँ ना उन्होंने शौचालय बनवाई है जी। और बोला था कि बनवा दो जी। तो मैंने उल्टी सीधी कर्जा करके बनवा लिया, मगर उन्हें आज तक पैसे नहीं डलवाए। और रही बात कुटी की, कुटी की बोला था मैंने कि भाई कुटी की आएगी कि नहीं आएगी, तो बोला कि देखा जाएगा, 2-4 महीने रुक जाओ, आगे देखी जाएगी, आ जाएगी ऐसे करके टाल रहे हैं। अभी कोई ना जानकारी है ना देती है। और लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग होगी हमारी मतलब 34-35 के लगभग। अच्छा, और ना आपके पिताजी के नाम आई? ना हमारे पिताजी के नाम आई है जी। जी, उनकी उम्र माताजी की लगभग? माताजी की 60 के लगभग हो गई जब जी। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई जो सब में मिल रहा है तो वो हमें भी मिले। हम भी क्यों अछूते रहे? हम जैसे ऐसे कई नौजवान हैं या मतलब कमज़ोर लोग हैं कि जिनको अभी तक सरकारी लाभ नहीं मिला है, और जिनकी मतलब सब कुछ होती हुई उनकी कुटी आ रही, लैट्रिन 2-2, 3-3 बन रही हैं, ऐसा हो रहा है। जो सक्षम नहीं है उनकी मिली नहीं है, और जो सक्षम है उनकी 2-2, 3-3 बन रही। स्वयं प्रकाश सरपंच जी की खुद यहाँ कुटी आई है, बच्चों की, हम गरीबों की आई नहीं है। ठीक।